आपकी अपनी बोधायन अकेडमी चिड़ावा टॉपर्स की पहली पसंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बनेंगे रुखाली करेंगे और बनी मरेंगे और मारेंगे और शहीद भी हो चुके हैं। नाच पानी को क्या करा खा के अगरूर बैठे हैं यहाँ पकड़ रहे हैं तो यही तो चल जाएगा। तो मैं क्या करांगा कल जी क्या आज उड़ के आए होते? मैं तो गांव का ही हाँ उड़ के ढेर ऊपर हूँ थोड़ी है गोचर बम्मी है और कौन छोड़ना मरांगा तो मर जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप चिड़ावा सिंधुगिरी देख रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग फिर एक बार अड़ुका पहुंचे हैं। जो जमीन का जो विवादित चल रहा है अभी जो मुद्दा है गोचर भूमि का, उसी को लेकर आज ग्रामीण लोगों ने एक रैली निकाली है और अड़ुका बस स्टैंड पर पहुंचे हैं। तो वो सब कुछ इनसे जानेंगे कि अब इनका उद्देश्य क्या है और आगे क्या रणनीति रहने वाली है। कुछ बुजुर्ग लोग भी है हमारे साथ यहाँ पर, उनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके द्वारा क्या कहना चाहते हैं और क्या उनके द्वारा अब आगे और रणनीति बनाई जाएगी। बाबूजी राम राम। राम राम जी। बाबूजी क्या आज उड़ के आए होते? मैं तो गांव का ही हाँ उड़े ऊपर हूँ थोड़ी है यहाँ। क्या बात होगी? ये कई 11 साल पुरानी पृथ्वीराज से भी पहले की है ये बनी और ये गांव में बनी का रुखाली करता और ये बनी गांव ने पैदा करती है और जानवर ने और इस मंगल ने भी लड़ाई होली और अब भी मरांगा और मारांगा है बड़ी ने जाने नहीं देंगे। कितनी उम्र होगी तारी? मेरी 89 89 साल होगी। 89 होगी। तो बाबूजी मरण मरण की बात क्यों करो हो ये तो गल ने भी तो ले वो जो आ गए है ये गांव ने जीवन कौन दे रहे हैं तो एक अने के छोटी ही मैं के मेरे के गांव में अकेले को है सगड़ी बस्ती माता सबकी है बिल्कुल है? तो सबकी माता है। गाय भी चरे बकरी भी चरे ऊंट भी चरे हम भी माटी भी लाते हैं हम इसमें मरते भी है जन्मते भी है। तो बाबूजी भूमि है जमीन है या भूमि बताओ देना गोचर भूमि है या गोचर भूमि आई है गोचर भूमि ना दमक बेटे पीछे से कोई भी कुछ करवा ले तो दूसरी पार्टी के कागज ये गोचर भूमि है बहुत पुरानी है कई 11 साल की तो बड़ा कागज कर सा यार का कागज तो कोई भी पीछे से बनवा ले बनवा लिया किसी से भी रिश्ते दे के बना लिया किसी उनका कोई रिश्तेदार होगा ऑफिसर तो बाबूजी आगे क्या करोगे थे? आगे बनेंगे रुखाली करेंगे और बनी मरेंगे और मारेंगा और शहीद भी हो चुके हैं इस बनी में और हमारा है आगे भी मरण मारने के लिए तैयार है हम। गोचर भूमि है ये दादाजी बता रहे हैं हजारों साल से है ये भी छोटा छोटा देख रहे हैं गोचर ही है ये 69 में 125 बीघा नाम चढ़वा ली 420 में उनको गांव का विरोध कर रहे हैं आज तक और मैं जीत रहा हूँ मुकदमो बाबा इष्टे लाग रहे है बह कह रहा ना मारकन साबूत है साबूत मारकन भी इष्टे है और यह जमीन ही या 296 नंबर हो मौके पर 296 सीट पर 196 किसी का नंबर लेके और 420 में नाम चढ़वा के और इन्होंने अंतकाल करवा के ये सब किया मतलब नाम गलत चढ़वाया है ये आप श्री को कोई नाम गलत है किसी का दूसरे का नंबर लेके नाम चढ़ा के 196 नंबर और 296 तो सीट में 296 था पुराना इनको घेणो मारन कागज है मारे नाम का। हाँ तो वह 420 में चढ़ाए हुए कागज है ये तो खेतड़ी भी गया है ना कागज लेके खेतड़ी का राजा बनने यही मोहन सिंह को खेतड़ी का वारिस बनाया था 2 साल जेल हुई इनकी इनको कोई पूछे खेतड़ी में आगे राजा दिल्ली भी हड़पने के लिए तैयार है दिल्ली भी हड़पने उनको खेतड़ी महाराज की जगह थी उसके लिए खेतड़ी भी गए हैं फिर वो बिसाऊ ठाकर इनकी रान काटी वो बिसाऊ को गोद वो खेतड़ी महाराज के 2 साल जेल काट के हैं ये बाप बेटो मोहन सिंह और रघुवीर सिंह इब तो उनका बच्चा है ना ये 4 हाँ मोहन सिंह तो है ये शामिल है खेतड़ी में वारिस बनाया था वो तो अभी जिंदा है ना उसी के चढ़वाई हुई थी ये जमीन और उसी जमीन को चारों है ना बंटवारा कर लिया तो आगे थे के करो अगर ये मान लो कागज ना है ही के साल तो कागज देखेंगे पीछे का और पूरी इंक्वायरी करवाएंगे कागज देखेंगे 11 साल का कागज देखेंगे हम जी 11 साल का या 11 इसमें देखो इसकी हालत देखो कई साल का दरखत है कई साल का ये पानी कट्ठा होता है उसको जोड़ बोलते हैं हम कई साल से कितनी भूमि को कोई छोड़ता है के आज एक इंच का ऊपर मरता है बिल्कुल है?
इसी भूमि को कोई छोड़ता आगे, ये तो कोई सज्जिया की टाइम की है। सरकारी भूमि गोचर नहीं होती तो इसमें नरेगा कार्य कैसे होता है? 2018-19 में इसमें नरेगा का कार्य किया गया है और अभी भी वो मौजूद में है। जियो टैग हुई है, ऑनलाइन काम है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है उसमें। ये जियो टैग की गई थी और सारा रिकॉर्ड तैयार किया गया था, उसके बाद में तो नरेगा चलती है, केंद्र सरकार की योजना है। तो इसमें नरेगा गोचर भूमि नहीं थी तो नरेगा कैसे चली उसकी? माई वाली जोड़ी के नाम से उसमें खुदाई हुई है और उसने मौके पे भी वो देख के गया था, जबकि एक दिन काम नहीं चला, जबकि 7-8 लाख रुपए का उसमें काम हो चुका है नरेगा का। मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो जो खातेदार है ना, वो मीडिया के सामने आके ये बोले कि हमने स्कूल बनवाई है, मेघवाड़ों के मोहल्ले में टंकी बनवाई है, धर्मशाला बनवाई है, एक भी गांव में किसी आदमी से पूछ लो उन्होंने 1 इंच भी जमीन दी हो आज तक। भाई उनका तो यही कहना है कि हमने स्कूल में जमीन दी। ना कहा स्कूल, कहा किसने टंकी बनवाई थी? और वो इतनी हिम्मत वाले है ना तो गांव में आके बात करे ना, सबके बात करते हैं। वहाँ उन्होंने काम के सामने आए, वो जमीन के कागजात भी दिए हमें कि ये जमीन हमारे नाम जमीन देंगे तो कागजात तो 1955 में गोचर थी, वो रिकॉर्ड है हमारे पास भी। उसके बाद में उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगा के उन्होंने नाम चढ़वाई है, वो रिकॉर्ड हमारे पास, स्टे मिल जाएगा, पहले भी स्टे हुआ है। और विचाराधीन जो हमें कागजात दिए गए अगर आप चाहो तो ले सकते हो, हमारे पास है, हम लेंगे आपको। हाँ। लेकिन आपको हमारे भी देंगे, बिल्कुल। पहले गोचर थी, अब विचाराधीन चल रहा है, वो बोलेंगे विचाराधीन मुकदमा नहीं था, विचाराधीन चल रहा है, एसडीओ से मिली वक्त के उन्होंने कहना दूसरा खसरा है, वो चल रहा है अभी। अजी वो हम बता देंगे आपको मीडिया के माध्यम से। मैं कहना चाहता हूँ मेरे को किसी की डर नहीं है, ये कोई माला राम कुमाऊ था उसका खसरा उठा के 296 की जगह 196 ले आए वो मंगलाराम का, और ये मैं एसडीओ कलेक्टर के सामने बता दूंगा ये बात, डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे को कहीं भी। ये पूरा मसला मैं बैठ के बता सकता हूँ, ये पूरी मिली व्यक्ति दोनों खसरे आउट करके दूसरा की। तो विकास जी आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं बड़ी साफ सुथरी बात कह देना चाहता हूँ, जो आपने सवाल किया कि कागजों को लेकर, हम जानते हैं भारतवर्ष में सैकड़ों केस ऐसे हैं जिनके ऊपर फौजदारी का मुकदमा दर्ज है, फर्जी कागजों से जमीनें बिकी हैं और बेची गई है, ये विदित है, हम जानते हैं, मीडिया भी जानती है, सरकारें भी जानती है। लेकिन अंतः बात कब कहाँ भी आती है, अगर हम इसको सार्वजनिक रूप में काम में लें तो लाखों लोगों का भला होता है, और केवल व्यक्ति विशेष के लिए काम में ले तो केवल 2 लोगों का भला होता है। इसके ऊपर सरकार संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट भी सोचे ये बात। तीसरी बात यह है कि गौचर के नाम से अगर हमें कब्जा ही करना होता तो हम इस अड़ुका की संघर्ष समिति में क्यों जुड़े? हम बिड़ला की जमीन पर भी कब्जा कर सकते थे, ये गौचर वास्तविक थी, इसीलिए इसके ऊपर इतना बवाल, इतनी बातें चल रही है। रही बात उस परिवार की, तो मैं उनसे कर्मबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके अगर बसाए हुए बड़े पूर्वजों की वजह से आज अगर ये गांव घुसा लेता है तो उनको निसंदेह त्याग कर देना चाहिए जमीन को, अगर उनको लंबी आयु चाहिए, उनके स्वस्थ, उनका जो स्वास्थ्य है अच्छा रहे, क्योंकि इन लोगों की आप देख सकते हैं महिलाएं बैठी हैं, गरीब तबका नहीं बल्कि अमीर लोग तक भी में पहुंचे हैं, उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनमें उन्होंने क्या कहा था वो तो आपने देखा होगा। मैंने देखा है, उन्होंने जो बात बताई उसका प्रकाश दी, और ये बता चुके हैं आपको कि खातेदारी के ऊपर खसरे का जो खेल खेला गया है ये बड़ा खेल है, इसकी निष्पक्ष जांच चल रही है। और फिर जल्दी कहा है न्यायपालिका में हमारा विचाराधीन है, उनको सब्र करना चाहिए। जिस दिन न्यायपालिका ये कहती है कि जमीन इनकी है, सहस पूरा गांव यहाँ खड़ा है, हम सहस उनको स्वीकार कर देंगे, हमें किसी की पर्सनल संपत्ति के ऊपर रहने का अधिकार नहीं है। उनका बार बार यही कहना है कि भाई अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट आप भी दिखाओ जैसे हम दिखाओ। वो पेश करेंगे, लेकिन कारण उसके लिए हम चाहते हैं उसके लिए स्वयं कलेक्टर साहब बैठे, स्थानीय आगे एमएलए बैठे, मंत्री बैठे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। स्थानीय एमएलए से संपर्क किया क्या आपने? इन लोगों ने संपर्क किया है, लेकिन उनकी तो वही बातें सिर्फ कि मुझे आज जयपुर जाना है विधानसभा में, मुझे आज कई कार्यक्रम है, मैं पूछना चाहता हूँ स्थानीय एमएलए साहब से। कल हम मिले थे 2 दिन पहले, उन्होंने आश्वासन दिया हम साथ आपके हाई कोर्ट में चलो कहीं भी चलो मेरी जरूरत हो तो मैं आऊंगा। यहाँ पे नहीं पहुंचे, उनका आश्वासन यही था। फिर हमने भी सोचा कि कोरोना काल है, चलो हम समझते हैं सरकार के ऊपर काफी दबाव है, विकास कार्य भी रुके हुए, लेकिन उनका जो आश्वासन जैसे कि ये लोग बता रहे हैं, क्योंकि विधानसभा लगती है, हम सब भी ये चाहते हैं कि आज यहाँ का जीता जो मामला है अभी बढ़ता ही जा रहा है और बड़ा ही होने जा रहा है अभी आगे। ये जनभावना साहब, स्थानीय प्रशासन, ये जनभावना साहब, ये जनभावना नहीं रुकेगी, मैं बता देना चाहता हूँ, ये जनभावना है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, सभी धर्म मजहब के लोग यहाँ बैठे हैं, व्यक्ति विशेष है, आदमी यहाँ कह देंगे गोचर है, उनका कोई 10 आदमी भी यहाँ कह देना इनका खेत है, इनके तो मान लेंगे। और गांव के समीपवर्ती गांव के लोग भी इस आंदोलन में जुड़ेंगे, हम केवल वेट कर रहे हैं कि क्या पता प्रशासन हमारी सुनवाई कर ले, दोबारा एक गोलीकांड ना हो, ऐसी मानव हत्या ना हो, कोई माँ अपना बेटा नहीं खोए, कोई बहन अपनी राखी बांधने वाला भाई ना खोए, बस यही एक बर्दाश्त करना चाहता हूँ उस मीडिया से। माननीय गहलोत साहब से आप हमारी बात सुने, और कल से सबसे बड़ी बात जो है, जो कल हमारे इस आंदोलन के अंदर आमरण अनशन नहीं, भूख हड़ताल के ऊपर केवल चल के सारे पेय पदार्थ पी के अपना पूरा दिन निकालेंगे, लेकिन अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं करेंगे। शुरू करने वाले कल से 11:15 बजे हम विधिवत इसका शुरुआत करेंगे।
11 दिन से कोई भी प्रशासन का आदमी संज्ञान लेने नहीं आया। आप देख सकते हैं शिवनगरी की जो टीम यहाँ पहुंची है, हम आभारी की आप हर दुख दर्द में समाज की बात ऊपर तक पहुंचाते हैं। आप एक बार कवरेज बनाए, लगभग 350 आदमी यहाँ बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कोरोना काल में हम पागल थोड़ी हमारे बच्चों को छोड़ गए हैं, लेकिन ये लड़ाई हमारी मातृभूमि की है, इसको नहीं जाने देंगे। मरने मरने की बात नहीं है, जैसे बाबूजी ने कहा, ये तो मरने मरने वाले से सवाल हो गया। हम कहना क्या चाहते हैं कि न्यायिक पालिका में जो विचार तब तक इन्हें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसे जनता में रोष पैदा हो, इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए। ये बात मैं विनोद शर्मा सनोप से श्याम शर्मा रुका। ये दो पार्टियां बनी थी और दो पार्टियों में ये गोचर भूमि का खसरा नंबर किसी ने चढ़वाया, सरपंच कार्यकाल था और उन्होंने चढ़वाया, और उसके बाद में दूसरी पार्टी बनी तो उसने गोचर भूमि कन्वर्ट करवाया। अब ये गोचर भूमि अड़ुक्का पंचायत के अंदर में पड़ी है, इस पे किसी ने कब्जा नहीं किया। अड़ुक्का पंचायत में कोई भी गया है, किसी ने अपनी जगह रोकी, कोई अपने हिसाब से गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस गोचर भूमि को जाने नहीं देंगे। इसके लिए संघर्ष और लड़ाई, चाहे बंदूक हो चाहे लाठी हो, एक भाई तो मारो 83 में गयो मेरा जन्म में, अब की बार कौन जान दिया। तो दोस्तों वही बात घुमा फिरा कर वही आ जाती है कि जमीन को जाने नहीं दिया जाएगा। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है। तो दोस्तों गाँव की कुछ महिलाएं भी है और बड़े बुजुर्ग है, तो उनसे बातचीत करेंगे कि महिलाओं का भी यहाँ पर काफी अच्छा रोष है देखने को मिल रहा है, काफी महिला इकट्ठी है, एकत्रित है यहाँ पर, तो उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो लोग क्या चाहते हैं। दादी जी आओ। तो दादी जी कहें, आज उरा कहें, सारी महिला भेड़ी हो रही हो। गौतर भूमि है, गौतर ही रहनी चाहिए। मैं तो देखो 70 साल हुआ गौतर ही, तो ये भी गौतर ही रहनी चाहिए। और देखो मैं तो लिए भेड़ी हो रही हूँ। तो कितना दिन तक यहाँ भेड़ा रहोगा? यहाँ कितना रहा? ये नया पास रो बना को इतने में यही भेड़ा रहा, चाहे मान रोटी में। ये कोर्ट केस तो चलता रही अगला लंबा लंबा लामा चालम जो तय लंबे समय तक मेरे चाहे कहीं भी करके काम कौन करेगा? काम पड़े रहो मारो, चाहे भारी मत निकलो रोटी मत बनो, चाहे मैं काटे रहा और काम चाहे मारो। नाच पाड़ी को के करा खा के अगर उरे बैठे यहां पक दरिया, तो यही तो चल जाए, तो मैं के करांगा कहले या बताओ मान को कई साला रोटी बनावा गड़े या करती माता गांव की है और गांव की रहेगी, और रोटी पानी भूखा थी साया ठे पड़ा रहा। तो कितना दिन तक बैठा रहोगा? बात तो भाई है, चलेगी जितना ही, ये फैसला नहीं होगा जितना ही अड़े यहाँ मरांगा आ रहे हैं, अड़े पड़े रहा। लेकिन गोचर भूमि छोड़ोगे ना? ना कौन छोड़ना, कागज वागज तो 1000 साल पहले का सुनिया बनी गोचर भूमि है, और कौन छोड़ना? मरांगा तो मर जाऊंगा, मारो एक लड़को भी गया तो मैं भी चल जाऊंगा, पर जमीन नहीं छोड़ूंगा, गोचर भूमि नहीं छोड़ूंगा। रोजना बैठा रहो, धरना बैठा रहो, ऐसा क्यों होगा? फैसलो चाहिए मन तो फैसलो हो गए बस इब लठे हम बार पाइप तो कहले बढ़ जाए, जब तो कोई ने बेरो और कोई ने नहीं बेरो हो, जे टाइम पर सुसना कौन थी धड़क दिया पड़ा, लेकिन इब कोने बैठने देगा कोई? ये पूरा गांव राम साथ है तो साथ ही में पीछे में हारा गए, मतलब पीछे महिलाएं पीछे है तो हमेशा की तरह आज भी पीछे ही है। हां पीछे ही रहना, तो आज क्या कर दिया? मेरे ग्रामवासियों से साफ से सबसे निवेदन है, ये गौचरण भूमि थी और मारो पर्सनल कोई काम को, पूरा गांव आपको अमूल्य टाइम छोड़ गए, गौचर भूमि की लड़ाई लड़ रहे, गौचर भूमि रहनी चाहिए, गौचर भूमि गाय के चरण की जगह है, इनको रिकॉर्ड चाहिए कि कठियों कया लैके कुन कया नाम करे, एक नोटरी को प्लाट ले वो ने भी नोटरी की सीढ़ी चाहिए, ऐन कौन सी सीढ़ी है कया आपके नाम कराई है, मैं गौचर भूमि कया जुड़ो या गौचर भूमि यार मैं गौचर भूमि रखना चाहूँगा। बैठे हो तो आज रैली निकालने को क्या मतलब? मारो यही रैली निकालने को मतलब है, मैं गौचर भूमि ने मारो पर्सनल व्यक्तिगत काम नहीं, पूरे गाँव को पशुओं को गाय चरण को गौचर भूमि को काम है, एक ऊपर धरनो प्रदर्शन कर रहा, कल से 11:15 बजे भूख हड़ताल को सिस्टम चालू हो जाओ। आप माने अगर न्याय नहीं मिली, मारी अगर आगे सुनाई नहीं करी, तो मारो कीमती समय को कोई मतलब नहीं है, गौचर भूमि को ही मतलब है, गौचर भूमि के लिए लड़ाई लड़ांगा, त्याग करांगा, बलिदान करांगा, और तो कुछ भी हो जाए किसी भी हालत से किसी की चलने नहीं देंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन इस गौचर भूमि को नहीं जाने देंगे। बोल गौचर भूमि की जय! जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा इस गौचर भूमि को। जैसे अभी किसानों आंदोलन चल रहा है, अभी 8-9 महीने
होने को आ गए। हाँ। तो वैसे ही अगर आपका भी कोर्ट में मामला चलता है तो लंबित रहेगा वो, तो क्या करोगे? हम चाहे लंबा रहो लेकिन मुझे न्याय चाहिए इस गौचर भूमि के लिए। और ये गौचर भूमि अगर अगला बोल रहा है कि मेरी है तो सामने आओ, मुझे बताओ कि हमारी कैसे हुई इसकी, ये कहाँ से लाया है, ये किस जन्मदात से इसके पैदा हुई है, किसकी रखी हुई है, वो चीज मुझे बताओ। हम भी तो सामने खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं, हम हमारे से पूछो कि हम क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमसे पूछ रहे हो, हम बता रहे हैं जी ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो प्रेस अगर कॉम्प्रेस पे बात करा, सामने आके बात करो ना, क्या दिक्कत है? अगर उसका धन है तो हम ये थोड़ी है उसका धन छीन रहे हैं, अगले का धन है तो लेगा, लेकिन आपका आके बताओ, सामने आके बताओ कि मेरा धन आप कैसे छीन रहे हो। अगर हमारा अधिकार है तो हम लेंगे, अगले का अधिकार अगला ले लेगा, लेकिन ये गौचर भूमि है, इस गौचर भूमि इसमें लिखा हुआ है गौचरण भूमि, गौचरण भूमि, अगला खातेदारी बता रहा है तो अगला बताओ मेरी खातेदारी, हम इसको सार नहीं जाने देंगे, चाहे मरना है चाहे मिटना है कुछ भी करना है, कितना मूल्य कीमत का समय मुझे बर्बाद हो जाए, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जमीन को नहीं जाने देंगे। हाँ, अगर जाती है अगले में ताकत है तो अगला ले लेगा, या तो हम मर जाएंगे या अगला मर जाएगा। तो दोस्तों घुमा फिरा कर बात वही आ गई है कि मरने मारने को उतारू है, कहने का मतलब वही है कि भाई जमीन नहीं छोड़ेंगे, गौचर भूमि थी और है और रहेगी। तो ग्रामीण वासियों में काफी आक्रोश है, युवा साथी भी है, महिलाएं भी है, बच्चे भी है, सभी लोगों में जन आक्रोश है। और ये आक्रोश मुझे नहीं लगता कि अभी थमने वाला है, क्योंकि प्रशासन इनके पास अभी आ नहीं रहा है, स्थानीय विधायक उन्होंने आश्वासन दिया है, अभी देखते हैं आगे क्या होगा। खैर मामला तो अभी कोर्ट में जाएगा ही और जा भी चुका होगा, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं कि ये अड़ुका के पास एक जमीन है जिनको गोचर भूमि कहा जा रहा है ग्रामीणों द्वारा, जो दूसरी पार्टी उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये खातेदारी की जमीन है। तो दोस्तों देखते रहे चिड़ावा शिवनगरी और जुड़े रहे चिड़ावा शिवनगरी के साथ।